हमारे करावली ग्राम पंचायत में, करावली ग्राम पंचायत में जैन मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या हो रही है। पिछले प्रशासन की तरफ से जो पानी की सुविधा दी जा रही है वो पिछले 2-2.5 महीने से हमारे यहाँ वर्किंग नहीं है, तो उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और बावड़ी और नदी हैंडपम्प से सब अलग अलग जगह से पानी लाते हैं और वहाँ पर भी पानी बहुत सूखता जा रहा है, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा अभी आजकल लोगों को, उसके लिए प्रशासन कुछ ध्यान दे रहे हैं। और करावली गांव में पानी नहीं आ रही है, जैन मोहल्ला में घरेलू काम करवा में घणो तकलीफ आ रही है, और पोछा झाड़ू पोछा वगैरह झीलवा नावा धोवा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना वगैरह वगैरह कपड़े धोने से काम कैसे करे, पानी की समस्या घनी जोरदार आ रही है। वर्तमान में सलुम्बर क्षेत्र में पेयजल की विशेष समस्या कैसे नहीं प्राप्त हो रही है, जहाँ जहाँ भी समस्याग्रस्त गांवों की सूचना प्राप्त हो रही है वहाँ पर हमने टैंकर से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था शुरू करवा दी है और शुरू करवाने के लिए कार्यरत है, ऑर्डर भी करवा दिए हैं, टैंकर चालू हो जाएंगे। और सलुम्बर शहर में भी 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति संतोषजनक स्थिति में है और वर्तमान में चल रही है। आसपास के ग्रामीण योजनाओं पे पेयजल स्तर नीचे, भूजल स्तर नीचे चले जाने से प्रोडक्शन की कमी है, तो उसका आकलन करते हुए हम पेयजल व्यवस्था बनाए रखे हैं। और भी कोई समस्या सामने आएगी तो उनका समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। टैंकरों के लिए हमारे पास जहाँ जहाँ सभी जहाँ दिक्कत की बात आती है हम कनिष्ठ अभियंता को और हम स्वयं, मैं खुद स्वयं इसका जानकारी प्राप्त करके टैंकर से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बनी रहे ऐसी व्यवस्था करने के लिए। सर, करावली गांव में कुछ समस्या आई है पानी की, उसके बारे में? करावली गांव की समस्या अभी तक तो मेरी जानकारी में इतनी गंभीर रूप के हिसाब से नहीं आई है, फिर भी आपका है तो मैं कनिष्ठ अभियंता को निर्देश करता हूँ कि वो मेट्रो जाके स्थिति का आकलन करें और पेयजल व्यवस्था सुचारू हो ऐसी व्यवस्था करा। धन्यवाद।